नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये डायमेंशनल फॉर्मूला पर बेस्ड है। कहा गया है द डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर बाय 2 मी नॉट वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो इसका डायमेंशन निकालना है जो क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने का दो तरीका है। एक तो ये तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड का अलग से डायमेंशन पता करें किसी फॉर्मूला को यूज करके, म्यू नॉट का अलग से डायमेंशन निकालें फिर फॉर्मूले में रख देंगे तो ये आ जाएगा। एक तो वो तरीका है और दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है कि बी स्क्वायर बाई टू मी नॉट जो है एक स्पेशल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पेस में जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहाँ पर स्पेस में एनर्जी स्टोर होती है ना। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जिस स्पेस में है ये फील्ड उस स्पेस में यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऐसे लिखते हैं और अब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ऐसे लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी ये होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी ये होता है, ठीक। तो यहाँ चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो एनर्जी डेंसिटी वाला ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट दिया गया है ना, तो ये एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट, ये एनर्जी डेंसिटी है मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो अगर इसका डायमेंशन पूछा गया है तो क्यों ना हम इसका डायमेंशन निकाल लें। अगर इसका डायमेंशन निकाल लेंगे तो इसका भी आ जाएगा। इसका डायमेंशन निकालना आसान है ना, क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है। एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल। ये क्या होता है, ये होता है फोर्स। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, ये मास है, ये एक्सेलरेशन का हो गया एम इंटू एक्स एम इंटू ए, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन बराबर होता है ना। तो एनर्जी का डायमेंशन ये लिख लेंगे और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन लिख सकते हैं एल क्यू, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो भी आएगा वो एनर्जी डेंसिटी या इसका डायमेंशन आएगा, है ना। तो ये जो डायमेंशन आएगा देखेंगे, ये हो जाएगा m l पावर माइनस वन और t पावर माइनस टू। ऊपर l स्क्वायर है नीचे l क्यूब है तो l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये डायमेंशन आया m l पावर माइनस वन t पावर माइनस टू। देखेंगे जो पहला ऑप्शन है इसमें उतना ही दिया है एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू।